ईवीएम को लेकर देश में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल ईवीएम के मुद्दे पर मोदी सरकार को ललकार रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों पर वार किया है, साथ ही साथ महागठबंधन को महामिलावटी करार दिया है। देश में तीन चरणों के चुनाव के बाद अब एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा ऐसा गरमाया कि देश की सियासत में ही उबाल आ गया। ईवीएम पर एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार और चुनाव आयोग, जिनके बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। विपक्ष के वार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष पर वार किया है। आज झारखंड के लोहरदगा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी हो रही है, फेल होने वाले बच्चे कागज कलम का बहाना बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं, ये लहर नहीं ललकार है जिसने दिल्ली की कुर्सी पर नजर गड़ाए भ्रष्टाचारियों और महामिलावटियों में हड़कंप मचा दिया है। आपकी इस ललकार ने दिल्ली की कुर्सी पर जो लोग नजर गड़ाए भ्रष्टाचारियों में महामिलावट के कुनबे में बड़ा हड़कंप। ईवीएम पर गिरी मोदी सरकार का बचाव करते हुए पीएम ने विपक्ष की हार की भविष्यवाणी भी की। पीएम मोदी ने कहा कि 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले तौर पर पराजय स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, लेकिन ये लोग अलग ही राग अलाप रहे हैं। खैर, अब पीएम मोदी कुछ भी कहें, मगर देश में जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है, उससे तो ये साफ है कि दाल में कुछ काला जरूर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।